नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मजेदार वीडियो में। तो आज मैं यहां पे आप सबके लिए लेके आ गया हूं एक और फुल कंपैरिजन। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं रियलमी नार्जो 20 प्रो वर्सेस पोको M2 प्रो। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही सेम प्राइस रेंज में आते हैं। 664 वेरिएंट है, वो दोनों का ही आपको 15,000 में मिलता है। तो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे इन दोनों फोन्स का, एंड ये जो पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा फ़ोन बेटर है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग मिलता है एंड यहाँ पे आपको ग्लास बैग देखने को मिल जाता है। तो जो इन हैंड फील है वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पोको M2 प्रो में बेटर देखने को मिलता है। एंड बाकी साइज़ के बारे में बात करें तो पोको M2 प्रो आपको हाथ में थोड़ा सा बड़ा लगता है, जबकि नार्जो 20 प्रो है वो इतना बड़ा नहीं लगता है। बट यहाँ पे ग्लास बैक होने की वजह से ये फ़ोन थोड़ा बल्की लगता है जब आप यूज़ करते हैं। दोनों फ़ोन को आप साथ में यूज़ करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा हल्का लगता है। एंड उसके अलावा कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो वो भी यहाँ पे बेटर है। जो नार्जो 20 प्रो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है तो यूज़ करने में ईजी पड़ता है कम्पेयर टू पोको M2 प्रो। यहाँ पे आपको दो हाथ यूज़ करने पड़ते हैं जबकि ये आप एक हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्टनेस के मामले में यहाँ पे नार्जो 20 प्रो बेटर है। बाकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे डेफिनेटली पोको M2 प्रो बेटर है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले यहाँ पे नार्जो 20 प्रो में दी गई है 6.5 इंच की FHD प्लस IPS डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वहीं पे पोको M2 प्रो में आपको मिलती है 6.67 इंच की एक 60 हर्ट्ज की FHD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले की साइज़ यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। जो पोको M2 प्रो की डिस्प्ले है वो थोड़ी सी बड़ी है जबकि नार्जो 20 प्रो की डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी है। बाकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है। जो कलर्स है, जो व्यूइंग एंगल्स है, जो मीडिया कंजम्पशन का एक्सपीरियंस है वो दोनों ही फ़ोन में सिमिलर देखने को मिल जाता है। एंड आउटडोर जो सनलाइट विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी सिमिलर है, वहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, मैंने दोनों ही फ़ोन को यूज़ किया है। बाकी अगर स्मूथनेस की बात करें तो जो नार्जो 20 प्रो है वहाँ पे जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है उसकी वजह से वो थोड़ा सा स्मूथ फील होता है। जब आप स्क्रोलिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे वो डिस्प्ले थोड़ा सा स्मूथ फील होता है। बाकी उसके अलावा जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, कलर्स वगैरह है, तो वहाँ पे कोई इतना डिफरेंस नहीं है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो नार्जो 20 प्रो है उसकी डिस्प्ले थोड़ी सी येलोइश साइड पे है, तो आइस के लिए बेटर है। एंड ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड पोको M2 प्रो की डिस्प्ले वो थोड़ी सी ब्लूइश दिखती है, तो वहाँ पे भी अगेन आपको सेटिंग मिलता है, तो आपकी नीड के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और डिस्प्ले में यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से मैं यहाँ पे नार्जो 20 प्रो को विनर बोलूँगा। तो चलिए डिस्प्ले के बाद हम बात कर लेते हैं कैमराज के बारे में। तो दोनों में ही आपको सिमिलर कैमरा सेटअप दिया गया है, क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है, 48+8+22 एंड यहाँ पे 48+8+5+2। फ्रंट में दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। तो कैमरा सेंसर यहाँ पे सिमिलर है, इन दोनों का मैंने डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी किया हुआ है। तो वहाँ पे नार्जो 20 प्रो ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया, जो ह्यूमन स्किन टोन है उसको यहाँ पे नार्जो 20 प्रो ने बेटर दिखाया है। एंड उसके अलावा इंडोर एंड लो लाइटिंग कंडीशन में भी नार्जो 20 प्रो ने बेटर परफॉर्म किया था, जबकि पोको M2 प्रो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया था। एंड ये MIUI 12 का अपडेट आने के बाद मैंने कंपेयर किया था, बट स्टिल वहाँ पे भी नार्जो 20 प्रो बेटर परफॉर्म करता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे नार्जो 20 प्रो विनर है एंड उसने बेटर परफॉर्म किया है। एंड अगेन आप डिटेल में देखना चाहें तो मैंने डेडिकेटेड इन दोनों फ़ोन्स का कैमरा कंपेरिजन किया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो कैमरा के बाद अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे भी वैसे प्रोसेसर डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। जो नार्जो 20 प्रो है वहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G95 जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एंड G90T से आप कंपेयर करते हैं तो कोई यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं। जो फ्रीक्वेंसी है जो GPU की वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 720G जो कि 8 नैनोमीटर के ऊपर बिल्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हैं तो दोनों में से किसी भी फ़ोन में आपको शटर या फिर लेग देखने को नहीं मिलेगा, तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आप इक्वल ही बोल सकते हैं। बट हाँ, अगर प्रोसेसर के हिसाब से आप देखते हैं तो जो बैटरी लाइफ है वो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी नार्जो 20 प्रो में, क्योंकि 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है प्रोसेसर, यहाँ पे 8 नैनोमीटर के ऊपर बिल्ड है।
एंड बड़ी बैटरी है तो यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको बेटर देखने को मिलेगी। बाकी परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन में सिमिलर देखने को मिलता है एंड दोनों का स्पीड टेस्ट भी मैंने किया हुआ है। तो जो रैम मैनेजमेंट है वो यहाँ पे नार्जो में बेटर देखने को मिलता है जबकि पोको में इतना बेटर नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर अगेन पोको को वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी सिर्फ परफॉर्मेंस को आप ध्यान में लेते हैं तो दोनों ही फ़ोन में आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो चलिए परफॉर्मेंस के बाद अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो इन दोनों फ़ोन्स को डिफरेंट कर देता है, तो वो है यहाँ पे बैटरी। तो पोको M2 Pro में आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, साथ में 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है जो कि फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए ले लेगा अराउंड 80-90 मिनट्स। तो यहाँ पे आपको दी गई है 4500 mAh की बैटरी एंड साथ में 65 वोल्ट का चार्जर दिया गया है जो कि 40 मिनट के अंदर पूरे फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की बात करें तो कोई कंपेरिजन नहीं है, नार्जो 20 प्रो बेटर है। बट अगर आप बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो बड़ी बैटरी दी गई है एंड ऊपर से जो प्रोसेसर वो है स्नैपड्रैगन का 720G, तो 8 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है जबकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर के ऊपर है एंड ऊपर से बैटरी भी थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ इसके जितनी बेटर देखने को नहीं मिलती, बट अगर आपकी बैटरी जल्दी भी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे आपको सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है 65 वोल्ट की, तो उससे आप बहुत ही जल्द चार्ज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक लॉन्गर बैटरी लाइफ चाहिए तो मैं आपको पोको M2 Pro रिकमेंड करूँगा एंड अगर आपको फास्टर चार्जिंग चाहिए तो मैं आपको नार्जो 20 Pro रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड जो फेस अनलॉक है उनके बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पे दोनों में ही काफ़ी तेज़ी से हो जाते हैं। फेस अनलॉक यहाँ पे जो नार्जो 20 Pro है वहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लगता है अगर आप कंपेयर करते हैं पोको M2 Pro के साथ, बाकी वो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है एंड दोनों ही फ़ोन यहाँ पे अच्छा काम कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोनों के ही अपने अपने एंड्रॉयड के स्क्रीन है, यहाँ पे आपको मिलता है रियल मी का रियल मी UI, तो यहाँ पे आपको मिलता है मी UI 12 एंड दोनों ही अभी एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है। दोनों ही काफ़ी कस्टमाइजेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है, तो ये अभी आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर लगता है। वैसे एड्स के बारे में बात करें तो दोनों में से किसी भी फ़ोन में मुझे एड्स देखने को नहीं मिली है। हाँ, जब आप नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे एड्स देखने को मिल जाती है दोनों ही फ़ोन में, बाकी उसके अलावा मैंने कहीं पे भी एड्स नहीं देखी है। UI के बारे में बात करें तो फीचर रिच UI है एंड आपको जो भी UI पसंद हो वो आप प्रीफर कर सकते हैं एंड आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन दोनों में से कौन से UI को पसंद करते हैं एंड साथ ही साथ क्यों पसंद करते हैं वो भी मुझे बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा UI को बेटर वोट मिलते हैं एंड लोग ज़्यादा कौन से UI को पसंद करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के स्पीकर के बारे में। तो दोनों में ही आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड आउटपुट किसका बेहतर है वो दिखाने के लिए मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपने नोटिस किया रहेगा कि जो पोको M2 Pro है उसका जो आउटपुट है वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं है जबकि जो नार्जो 20 Pro है उसका स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है एंड जो साउंड है वो भी क्लियर है। तो यहाँ पे स्पीकर का जो आउटपुट है वो मुझे नार्जो 20 Pro में बेटर लगा है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे पोको M2 Pro से डेफिनेटली यहाँ पे आपको लाउडर आउटपुट मिलता है, तो स्पीकर के मामले में भी अगेन यहाँ पे नार्जो 20 Pro विनर है। उसके बाद मेमोरी एंड स्टोरेज एक्सपांशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी दोनों ही फ़ोन सिमिलर है। दोनों में ही आपको ड्यूअल सिम प्लस माइक्रो SD का स्लॉट देखने को मिल जाता है एंड जो कॉल क्वालिटी है उसके बारे में बात करें तो वो भी दोनों ही फ़ोन में सिमिलर है। दोनों में ही मैंने एयरटेल का सिम डाल के ट्राई किया है तो वहाँ पे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है एंड जो नेटवर्क रिसेप्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, इंटरनेट है वो भी काफ़ी बढ़िया चलता है, वहाँ पे भी कोई इशू देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी अगेन दोनों ही फ़ोन सिमिलर है एंड यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड मैंने आपको बता दिया है। तो अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, अंडर 15,000 कौन सा फ़ोन बेस्ट है या फिर कौन सा फ़ोन बेटर है। तो उसका भी आंसर मैं दे देता हूँ। तो अगर आपको चाहिए एक बेटर कैमरा, बेटर चार्जिंग स्पीड एंड हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, थोड़ा सा बेटर स्पीकर का आउटपुट, तो आप डेफिनेटली नार्जो 20 Pro की तरफ जा सकते हैं। इन सभी फीचर्स में नार्जो 20 Pro बेटर है। तो पोको M2 Pro में क्या बेटर देखने को मिलता है? तो अगर आपको लॉन्गर बैटरी लाइफ चाहिए, बेटर इन हैंड फील चाहिए, बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए एंड साथ ही साथ आयर ब्लास्टर भी चाहिए, तो आप पोको M2 Pro की तरफ जा सकते हैं। तो बस यही था इन दोनों फ़ोन्स के बीच में कंप्लीट कंपेरिजन। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे एंड अभी भी इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट रहता है
तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। जी हाँ, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं डाउट है वो क्लियर कर सकूँ एंड बता पाऊँ। बाकी उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी ये फ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड कन्फ्यूज़ है। एंड उसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और मज़ेदार एंड यूज़फुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, एंड आपके सजेशन देना भी ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो। चलिए, बाय।